संग छद्वंग संव दद्वंग सवो मनासी जानताम देवा भागंग यथा पूर्वे स जानाना उपासते। दुनिया में सभी सुखी लोग एक जैसे सुखी हैं और सभी दुखी लोग अपने अपने ढंग से दुखी हैं। वैसे ही पलटूपुर गांव वालों के सुख दुख, उनका प्रेम प्यार, छल कपट, मक्कारी अपनी अपनी पॉलिसी से जुड़े हैं। जब तक प्रेम का प्रवाह रहेगा, यह संसार आगे बढ़ता रहेगा। युग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ दस्तावेज समय के चक्र में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं में से एक है प्यार की पॉलिसी। सालों मोदी ने घर घर में बाथरूम बनवा कर दे रखे हैं, खुले में आ रहे हो? भाग जाओ सालो, वरना एक गोली से दोनों गोली उड़ा दूंगा। सुनो रे पलटूपुर वालों, यो सुंदरलाल बड़ा जेंटल पर्सन है भाई। ग्राम प्रधान के इलेक्शन है स्वामी वरुण वेश जी, आप तो हमारे गांव में कितने दिन बाद आए हो। अगर ये ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीत गया तो गांव को सुंदर बना देगा कि नहीं? अरे इससे अच्छा तो मौका नहीं मिलेगा लल्लू जी, इसका तो नाम ही सुंदरलाल है, ये तो गाँव को चमका देगा। अजी वो सब तो ठीक है, पर ये इलेक्शन के लिए दारू शराब मुर्गा अंडा डंडा झंडा ये सब के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। इलेक्शन की जरूरत क्या है, तुझे निर्विरोध प्रधान बनवा देते हैं, क्यों बच्चा लोग बताओ? रेडी फट से रेडी, इस बात पे तो सभी रेडी हैं। वैसे मुखिया जी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि ये गांव के सभी लोग ना प्रेम और प्यार से एक साथ रहें, और मैं इसी तरह से इस गांव की सेवा करता रहूं। और वैसे भी निर्विरोध प्रधान वाले गांव को पूरे 1 करोड़ रुपए विकास निधि से मिलते हैं, जो किसी और ग्राम सभा को नहीं मिलते। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। ओए लाओ भाई माला दो यार, ले माला पहन। हाँ तो भाइयों, आज ही निर्वाचन कार्यालय में जाके पर्चा भरवा देते हैं, बोलो। अरे वाह भाई वाह। अरे गांव के पंचों को राम राम। हाँ भाई प्रेमी, प्लानिंग चल रही है हैं? या निरोध को निर्विरोध प्रधान बना रहे हो हैं? अरे मरा ना मेरा बाबा भी लूला सिंह आ रहा है जेल से, तो मैं बनाएगा मंत्री सारण ने। और हाँ भाई, तुम मोनू प्रेमी पार्टी बदल ली? ना ना रंडा, बात खत्म, करेगा तुम्हारा इलाज, आ रहा है। हिस्ट्री शीटर लूला, इसी के कुकर्मों की वजह से इस गांव का होली उत्सव भी बंद हो गया था। हाँ तो आज की पंचायत का फैसला रद्द। अरे अपने अपने मुंह का शटर बंद करो यार। देखो जी ऐसा है, पर्चा तो मैं भरूंगा और फिर क्या है ना, पता भी चल जाएगा कि कौन किसकी तरफ है। बंटी मैच क्या करेगा, इतना पढ़ के फेल होऊंगा? रे तू छोरी है या बम, तन्ने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। बाबू है जानम है मेरी जानम, तेरी बहन को नमन, मेरठ के उजड़े हुए चमन। देख सुधर जा तू, बता दे रही हूँ, मैं सुधारने पे आ गई ना तो जिनावर से इंसान बना दूंगी। जितना तू ये इशारे करता है ना, सारे इशारे तोड़ दूंगी एक ही बार में, समझा? पढ़ने तो आना नहीं है तुझे, जब तू सटियाबाजी करने आता है गधा। सुन तो सही, तू इतना गुस्सा क्यों हो गए? इतनी अच्छी तो है, ये बहुत याद आ मुझे तेरी। इसकी बहुत याद आती है मेरे को बंटी, स्कूल में भी घर में बहुत याद आती। तू क्या कर रहा है? घर का भाई ब्याह कर ले मुझसे। तू प्रेत, तेरे से ब्याह? मेरा तो भूल जा, किसी और लंडे से भी ना होने दू तेरा ब्याह। ब्याह करेगा शकल देगा अपनी, बस ये नखरे कर दे कम। आरडीएक्स है तू, छोरी है या बम? अरे खाना लाया ना घर से खाने कुछ?
समझा करो प्यार का मामला भाई। ये क्या बदतमीजी हो रहा है क्लास रूम में? न्यू एडमिशन तमीने, मैं तेरा टीचर हूँ। हाँ मतलब एज ए टीचर न्यू एडमिशन। दे तो मेला तयम टूटने से पहले तयम तुम अपने बैंड पे बैठ दाओ। ए गुरुजी पढ़ाई तो सदियों से होती आ रही है ना, हैं? इंटरव्यू इंटर कर लो थोड़ा सा। इंतलो तुम्हारा परिचय तो हो गया, तुम यहाँ पढ़ने तो आते नहीं हो। ए नाम तो बताओ एटलीस्ट गुरुजी, आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम बीपीतिन। काफी शराबी नाम है। नलायक दे तो मैं तुम्हारी तितायत प्रिंसिपल तक लूंगा, मैं तुझे तलाश से निकलवा दूंगा, मैं तितायत करूंगा। अरे 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 तुम सबको दे दूंगा, मैं आ रहे दे दूंगा। अबे ओ मास्टर, गणित वाले मास्टर का शक्ल देखना चाहता हूँ। लगता है तू ही गणित का मास्टर है, तेरे माथे पे साफ दिख रहा है 1+1=2। त्या बात त्या तही पतले, एकदम तही पतला। तो मेरा टैलेंटेड और होनहार बेटा जैक्सन गणित में 0 नंबर आया कैसे, जवाब दे। अले बायता आपका बेटा अभी तूल में इतन बादी में अपना टैलेंट दिखाया था, तो दलित में तो दिलो ही पाया था और तभी बाताब दे दिए। दलित में तो इंडस्ट्रियल तो है नहीं, तिल लगा दिया और तो बता तो पा लिया। मास्टर जी अब हमारा जैक्सन ना इतना गया गुजरा भी नहीं है, अरे कम से कम उसे एक आध नंबर तो मिल ही जाना चाहिए था। क्यों लूला जी आप बोलते क्यों नहीं हो? बिल्कुल सही कहा मास्टर, जवाब दे। क्या तही तहला है तीतल में होगी ये तीतल। अबे चुप, देख रही है जस तुम मुझसे बहुत प्यार चलती है, सिर्फ वो भी मुझसे बहुत प्यार चलते हैं। दफा हो। तू मेरा बाबू है तो मैं मार दूंगी। एक बार तू तो दे दे गधा। अरे आप भी अपने बत्ते का ध्यान लेती है। हाँ मास्टर, ध्यान रखते रखते तो ये हाल है। हाँ हाँ आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ दलू लेती है। और सुन मास्टर, इस बार वोट मुझे ही देगा, समझा ना? अपने मुंह से बोल। लूला जी मास्टर जी को बार बार क्यों कह रहे हो, मास्टर जी तो वोट आपको ही देंगे, है ना मास्टर जी? अले दे दूंगा। मुझे तो अपने वोट का अताल डालना है, दे दूंगा। तो इस बार देती डालू नहीं, अंदले दी तालाब थी तदली थी पालती ताई है मुझे। पक्का पत्ता? पक्का। तो मेला भी बहुत पत्ता। चले लूना जी। चलो मास्टर जी पक्का है, पत्ता। पक्का है ना? एकदम पत्ता। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर भैया जीतेगा। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। सुंदर भैया जिंदाबाद। शांत हो जाओ। लल्लू जी, ओ लल्लू जी, अरे लल्लू जी, अरे उठिए। क्या किया जाए? अरे पलट दो खाट, उठाओ गिरा दो। अरे 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 अब तुम इलेक्शन लड़ो बालकों के साथ जो वोटर भी ना है। भाई मैं मक्कार लूला को नाराज नहीं कर सकता, जब वो गांव में ही नहीं था तब बात कुछ और थी। हाँ अच्छा, तो अब तुम भी मेरे साथ नहीं दोगे? हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया। इसीलिए ना इस गांव को पलटूपुर कहते हैं, यहाँ पहले लोग बात करते हैं और फिर उस बात से पलट जाते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। ये लो पियो बीड़ी। चलो रे बच्चों, अब इन लोगों से भी कोई उम्मीद नहीं है। चलो 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 चलो।
जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा, आगे जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा। चलिए चलिए, जीतेगा भाई जीतेगा, दूल्हा भाई जीतेगा। प्रेमा 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 प्रेमा, अरे सुंदर तुम? हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। दो मिनट बैठो ना, मैं चेंज करके। मालवी, मालवी, अरे आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू टू जान। तुम्हें कैसे पता चला कि भैया घर पर नहीं है? अरे मेरी जान, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाए। समझदार तो है तू, बिना बोले सब समझ जाती है। चले अंदर। कहिए जी, क्या इरादा है? इरादा तो बिल्कुल नेक है मेरा। यार मालवी, बहुत समझाया मैंने अपने इस दिल को, पर ये दिल है ना, मानता ही नहीं है। टिंग निंग निंग निंग, टिंग निंग निंग निंग। हम तो कब से तैयार बैठे हैं जी, बस बैंड बाजा लेकर आइए और ले जाइए। यार ये जो तेरा भाई है ना, ये मुझे बैंड बाजे के साथ भी ना तुझे ले जाने नहीं देगा, इसलिए मैंने सोचा है पहले क्यों ना हम अकेले में बैंड बजा लें, उसके बाद इस साला भी हमें रोक नहीं पाएगा। हम तो आपके हैं जी, जब चाहे जहां चाहे बोलो, क्या चाहिए? डार्लिंग, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। मालवी, सुंदर, हो गया? हाँ नहीं, बोलो। चाय भी गर्म है, पी लो। हाँ वैसे सुंदर, तुम्हारे इलेक्शन का प्रचार वाला काम कैसा चल रहा है, हो गया? हाँ यार, वो सब चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ इसमें? वोट देकर। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, इलेक्शन तुम्हारा कब है? जी आंटी कल है। अच्छा ठीक है। जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, दूल्हा भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। पूरे पलटूपुर की फट गई डर से, अब ये लुल्ले और अय्याशी करेंगे।
मतलब पूरा दिन खिड़की में बैठ रहे हैं? मेरा घर, मेरी खिड़की, मेरी मर्जी, तेरे को क्या? प्यार डाल ले अचार। आता हूँ आता हूँ। जैक्सन क्या दर्द है तेरा? बड़ा है दर्द, बहुत बड़ा है ये ना। तेरे चक्कर में ना मैं स्कूल में फेल होता आ रहा हूँ, और आगे भी ना पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पढ़ने लिखने से क्या होता है, जो पढ़े वो मरे और जो ना पढ़े वो तो मरे ही मरे। नीचे से ऊपर आ गया तू। दादा मेरे स्वर्ग है, बचपन में कह गए तू ऊपर जाएगा। अबे हट, तू और तेरे दादाजी। देख जैक्सन एक बात ध्यान से सुन ले। मैं ना बहुत प्यार करती हूँ सुंदर से। मुझे अगर सुंदर नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। मर जियो, किसी काम मत आ जियो। क्या उस पैसा दिमाग जो तेरे पास नहीं है गधा। स्टीव जॉब्स हो रहा होता कदा ही। बाबू मुझसे शादी कर लेना। देख मेरे पास सब है, प्रधान का बेटा हूं मैं, गाड़ी है, पैसा है, बाइक है, और अब तो चश्मा भी है। मेरा एक पैर धरती पे और दूसरा रहेगा मंगल ग्रह। ओ वेरी फनी, फिर तो जैक्सन साहब की चड्डी फटी रहती होगी। चड्डी काय की फटरी बताऊं? ए बिटवीन टू लेग्स ऐसी लक मारूंगी ना तेरे कुतुब मीनार का ना लाल किला बना दूंगी, समझा? देख प्रेमा मैं ऐसे भी कर सकूं, लेकिन तेरू लव है मेरा। बाबू आई लव यू। भाग यहां से, तू इतना क्यों? ये सब इसे सीखती होगी ना? अब ना दूंगा सुंदर कहीं की गधा। हाँ 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 समझ गया समझ गया। ओके ओके ओके। अरे बैलों, तुम में से किसी ने मेरे लाला जैक्सन को कल से देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चला गया, उल्लू का पट्टा कहीं का। लूला जी पट्टा तो मैं हूँ, फिर उल्लू कौन? बहुत बोलता है तू। जी घमंड नहीं किया कभी। मैंने आज ही हरिदास की कुटिया की तरफ उसे जाते हुए देखा। ओ हरिदास की कुटिया। तो मेरे जो गुरु जी है वो थाईलैंड में है, यू नो अबाउट सैंडविच मसाज। जी बाबा, वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड गाय। जैक्सन जी ये क्या हाल बना रखा है? नॉट जैक्सन, कॉल मी बाबा। बाबा जी हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? हाल नहीं है, ये माल है। माल? गोल माल। गोल माल बनाओ। अरे जैक्सन जी, अरे प्रधान जी तुम्हारे लिए परेशान हुए घूम रहे हैं। यू मीन टू माई फादर? यस यस यस। मैं घर नहीं जाऊंगा, देखो क्या है अब मेरा जो घर यही है, मेरा घर भी यही है और बार भी यही है, तो मैं बाहर से बाहर क्यों जाऊंगा? ये मेरे भगत लोग हैं, मैं भक्तिया रहना चाहता हूँ। क्यों भक्तो? अच्छी बात है, लेकिन जैक्सन जी सबका दिल तो इधर होता है, तुम्हारा इधर कैसे है? हम बेवफा हर गिजना थे पर वो वफा कर ना सके, पहले यही था। आफ्टर ब्रेकअप यहाँ शिफ्ट हुआ है। प्रेमा? अरे अपनी प्रेमा पागल, कोरी है कलाई या तो लादे मुझा। लौंडिया का चक्कर है, लौंडिया का, लौंडिया का चक्कर है, और यहाँ मैं अपनी बहन के चक्कर में हूँ। सही बात है, इधर ये बाबा अपना दिल तोड़वाए बैठा है। क्या करूँ क्या करूँ बाबा जी, बाबा जी। अरे ये सब छोड़ दिया, आप घर चलिए। आप? मैं घर जाके करूँगा क्या? सब तो यहीं आते हैं भाई, नेता अभिनेता मंत्री संतरी सब बाबा के दरबार में मत्थर टेकने आते हैं, माल लेके आते हैं, लाइन लगा खड़े होते हैं। बाबा क्यों जाएगा वहाँ, बाबा रहेगा यही। पागल बाबा जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू जॉब बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। पैर छुओ, पैर छुओ। जी बाबा जी की जय हो। माथे में घूसा मारूंगा। हाँ दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, निकालो निकालो। बाबा जी ये मेरे पूरे जीवन की कमाई है। 20 रुपए कुत्ते चल हट, हट, हट। बाबा जी वो एक 2000 रुपए मिल जाते। हम तो बाबा हैं, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोगे कब? अगले जन्म में। हट तेरी माँ। हाँ
प्रणाम बाबा जी, मेरा भी कष्ट दूर कर दीजिए बाबा जी। बाबा बड़ी नोएडा वाला आश्रम संभालो, जाओ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पापा बहुत लोग बनने वाले हैं, जाओ हो जाएगा, जाओ बाबा जी मुझे आशीर्वाद। बाल काले करा क्या बाबा जी? हट लूला जी। ओ बैठा जैक्सन, सन्यासी? आशिक लूला जी, आशिक। किसका आशिक? वो कौन सी कन्या है? अरे वो तो भाग गई किसी और के साथ। भाग गई? हाँ। फिर भी उसके पीछे पागल है? इसका मतलब वो इसे पागल ही बना रही थी। अरे आप क्यों चिंता करते हो, मेरी बहन है ना मालवी। इसमें मालवी क्या करेगी? जो आप और मैं नहीं कर सकते हुँ? वो करेगी मालवी। मगर मगर क्या? अगर मेरी बहन को जैक्सन से प्यार हो गया हुँ? तो आपको तो आपका बेटा मिल जाएगा, लेकिन मेरी बहन तो जोगन हो जाएगी ना। अबे सीधा सीधा बोल, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बहन के लिए जैक्सन। चल दिया, पहले मुझे इस संकट से बाहर निकाल। मुझे पता था आप मुझे ना नहीं कर सकते, इसलिए इस काम के लिए पहले से ही मैंने मालवी को लगा रखा है। ओहो, बड़ा विश्वामित्र बना बैठा है। अभी इसकी तपस्या भंग करती हूँ। अरे ओ विश्वामित्र, तुम्हारी मेनका आई है, जरा आंखें खोलकर देखो तो सही, कितनी हॉट है। मैं प्रेमा से भी ज्यादा हॉट हूँ। देखो बेवफा औरत, छी चल यहाँ से, हट। जैकी,
मालवी। तेरे ये रंग रंग देख कर ना अब मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वही सही था। अरे तुझ जैसी लड़की से तो मुझे भगवान ही बचाए। अरे 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 यार मालवी बस कर, तुझे जम्मू का मिलते तो किस करने लग जाती है। अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो मैं क्या करूं सुंदर, तू है ही इतना हैंडसम कि दिल करता है तुझे चूमती रहूं, तेरी बाहों में रहूं। और मैं ही नहीं, दुनिया की हर प्यार करने वाली लड़की यही चाहती है कि उसे। हाँ हाँ मैं समझ गया भाई, अच्छी बात है, ये सब करने का मौका भी मिलेगा, थोड़ा सब्र कर। अच्छा ठीक है चलो बैठते बातें करते। अच्छा मालवी एक बात मुझे बता, शादी के बाद भी तू मुझे ऐसे ही प्यार करेगी ना? शादी किससे? अरे मुझसे मेरी सोनिए। शादी और तुझसे? सही कह रही है मेरी बहन। तू ठहरा गांव का छोटा मोटा किसान, और सुन रिश्ता ना बराबरी बालों में किया जाता है। अरे मेरी बहन पढ़ी लिखी है, समझदार है, और तू मेरी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे अफसर से होगी या फिर किसी गांव के ऊंचे जमींदार से, समझ गया? मालवी सुंदर आज के बाद मेरी बहन से मिलने की कोशिश मत करना, वरना। वरना वरना क्या? अरे प्यार करती है तेरी बहन मुझसे। अच्छा चल ठीक है, फिर उसके दिल की बात तू उसी से सुन ले मालवी। सुंदर मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ है, और जो भैया कह रहे वही सही है। सुन लिया? अच्छा मालवी जो ये कह रहा है वो सही है और मैं गलत हूं? एक बात बता मालवी, भुला पाएगी तू मुझे? सुंदर मुबारक हो। क्या पूछोगे नहीं किस बात की मुबारकबाद? हाँ हाँ। अरे बाबा गांव के 40% वोट तुम्हें मिले हैं। 40%? पर ये बात तुझे कैसे पता? हमें क्या नहीं मालूम, हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त जनाब आपकी हार्टबीट 100 से ऊपर चल रही है। और हाँ एक बात, लूला प्रधान से सावधान है ना, इससे नहीं। मालवी मालवी मालवी। जी जी, जी भैया। किस सोच में डूबी हुई हो? वो कुछ नहीं भैया। मालवी अगर तुम सुंदर के बारे में सोच रही हो तो अपनी सोच के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, क्योंकि मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम प्यार करो तो जैक्सन से, भले ही झूठा। लेकिन भैया मैं वो। मालवी तुम नहीं जानती, अरे लूला के पास इतनी प्रॉपर्टी है और जैक्सन जैक्सन लूला का इकलौता बेटा है, बस किसी भी तरह से तुम जैक्सन को अपनी मुट्ठी में करो, इधर जैक्सन तुम्हारी मुट्ठी में और उधर लूला की सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में।
रुक जैक्सन, देख मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अरे ये बाबागिरी में तू कहाँ घुस गया है? हट चुड़ैल, तू जानती नहीं है मैं ऊंट बाबा हूँ, मार डालूंगा। देख लल्ला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तू बाबागिरी में क्यों घुस गया है? तू घर बसा और मौज कर। एक लड़की ने दिल तोड़ा तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैंने एक से बढ़ के एक लड़की ढूंढी है, तू सिर्फ हाँ कर। बात हाँ की नहीं है, देखो मैं सांसारिक सुख से अब अलग जाना चाहता हूँ, इस भौतिक सुख से मैं दूर जाना चाहता हूँ, ये समाज परिवार गांव छोड़कर मैं गांव से बाहर जाना चाहता हूँ, अब मैं ध्यान मगन होना चाहता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, मैं इन दुश्मनों के बीच अकेला रह जाऊंगा। मैं बेटा था, अब मैं बाबा हूँ, और बाबाओं का कोई बाप नहीं होता है, क्योंकि बाबा अपने आप में स्वयं बाप होते हैं। आखिर मैं तो तुम्हारा बाप ही हूँ ना। मैं जैक्सन था, जैकी था, अब मैं हूँ ऊत बाबा। अब मैं गांव के बाहर जाऊंगा, अपना एक आश्रम बनाऊंगा, और मैं वहाँ पर ध्यान मगन रहूंगा। मेरे घर के पास तुझे आश्रम के लिए जगह देता हूँ, वहाँ आश्रम खोल और मौज कर। किसने तुझे रोक रखा है? आइडिया तो अच्छा है ये, लेट मी थिंक अबाउट इट, इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल लेट मी गो। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, ये क्या खुल गए भाग हमारे, आशीर्वाद जो बाबा जी यहाँ पधारे। यू वांट टू स्मेल इट, स्मेल इट, बोलो बोलो भगत बोलो। बाबा जी हाँ, बड़ा अच्छा लगा जो आप बिगड़ कर घर वापस आ गए। नो, सुधर कर। सुधर कर, मैं अभी तक सुधरा नहीं हूँ, तो मेरी औलाद कैसे सुधर जाएगी? कुछ अच्छा सलाह दिया कर। अरे इसमें सलाह देने वाली क्या बात है, अगर ये बाबा जी बन गए हैं तो इसमें भी अपना ही फायदा है। आजकल जहाँ धर्म है वही का मामला बड़ा गरम है। You are right, you guys just talk, let me go। बाबा जी बेचने वाली ने दिया नरम कालजा छोल मेरा। आजकल बाबा जी का जो काम है ना वो बड़े टॉप क्लास में चल रहा है। अगर मेरा बेटा बाबागिरी में चला जाएगा तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ अच्छा सलाह दिया कर। माँ, माँ आ गई बेटा, आ गई। ओ माँ आ गया तू, अरे लाते बेटा, कितनी मेहनत करे है तू तब भी घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता। अरे सुन, मैंने सुना है ऊत बाबा के पास बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वो सबके समस्या का समाधान कर रहे हैं। सुन, तू भी ऊत बाबा के पास चला जा मेरे कहने से। अच्छा, मैं चला जाऊं वहाँ उन मक्कारों के पैर छूने के लिए? हाँ, एक नंबर के पाखंडी और मूर्ख लोग वहाँ उसका कीर्तन गा रहे हैं, और वैसे भी वो भी क्या करे, अंधविश्वासियों को कोई ना कोई बाबा तो चाहिए अपनी जिंदगी में। अरे सारे लोग मूर्ख थोड़े ही ना हैं। और क्या है माँ, ये लूला एंड कंपनी इलेक्शन के रंजिश में ना हमारा खेत जमीन सब बिकवा के हमें यहाँ गांव से भगाने पे तुले हुए, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तू नहीं जाता तो मत जा। अरे मैं तो जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। मैं तो जाऊंगी। बाबा, बाबा, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की जय हो। बाबा हट, भक्तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, एक चमत्कारी संत का अवतार तुम्हारे पलटूपुर में हुआ है। अब भक्तों के ऊपर कोई भी समस्या हो, कोई भी गुप्त बीमारी हो, अरे तुम्हारे घुटनों में, कमर में, और तो अगर प्यार व्यार के चक्कर में किसी का दिल भी टूट जाता हो तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ बाबा, बाबा बड़े दयालु हैं। अरे बाबा मालदार होने का एक से एक ठोस उपाय बताते हैं। ऊत बाबा की जय, ऊत बाबा की जय, जय।
भूत बाबा की। पैर छुओ। बाबा बम बम 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 बाबा बम बम। गुरुजी मेरा सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। मैं जानता हूँ बेटे, लड़की का मामला है ना। जी गुरुजी। छपरिया प्यार करती है? जी गुरुजी। प्यार करते हैं? जी गुरुजी। घर वाले नहीं माने बेटे? हाँ, ना उसकी। बेटे ये ओनर मीटिंग का मामला है। आप तो महाज्ञानी है बाबा। बेटे हमने पैथोलॉजी में PhD कर रखा है। जी बाबा। मिनिमम 1,000 रुपए की तुच्छ राशि दान पात्र में अर्पण कर दो। ये लीजिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये 10 का नोट है, वो भी नकली। मुंडो का पट्टा पत्तल कुत्ता कुत्ता। बाबा गाली भी देते हैं? अरे बाबा जिसको गाली देते हैं उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। और सुन, जिसके सर के ऊपर प्रेम से हाथ रख देते हैं, अरे तो उसका तो सत्यानाश हो जाता है। बाबा इधर आओ। बाबा उल्लू का पट्टा कुत्ता, चल 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 निकल यहाँ से, जल्दी निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी प्रेमिका को ना बाबा भगा देंगे। लेंगे लेंगे। हाँ, भगा लेंगे, चल निकल यहाँ से। ऊत बाबा की जय। हिरण बहुत टाइम से बाबा जी, आज मुझे कुछ गंदी बात बाबा जी है? बाबा जी की जय। हाँ। नीचे 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 नीचे। हाँ बाबा जी। दूर 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 दूर, 2 गज की दूरी, बाबा की मजबूरी। बाबा जी का कहने का मतलब है थोड़ा दूर से होके बात किया करो। हाँ दूर दूर दूर। हाँ बाबा जी। कहो क्या बात है? आप तो जानते हैं बाबा जी। नहीं हूँ। हम छोटी खेती के किसान हैं, पूरे दिन खेतों में मेहनत करके भी गुजर बसर लायक पैसे ना होते। मैंने बहुत सारे ज्योतिष पंडितों के चक्कर काट लिए। ओहो। बाबा जी अब आपके श्री चरणों में आई हूँ। बाबा जी कल्याण होगा। रुको रुको रुको, एक मिनट। बाबा जी ये सुंदर लाल की माँ है, इसे वो अपनी काली भैंस है ना बूढ़ी वाली, इसके गले में बांध दो। राइट 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 राइट। कौन सी भैंस का दूध पीते हो? गाय, गाय का दूध। काली भैंस का दूध पिया करो। है? बाबा जी भैंस तो काली ही होवे। पता कुछ है नहीं, फालतू बोल रही है। नाम क्या है तेरा? राम कटोरी। कटोरी में डाल के भैंस का दूध पिया करो, कल्याण हो जाएगा, समझे? ठीक है बाबा जी। बाबा की गारंटी है जी। बाबा जी का काम है भक्तों का कल्याण करना। नहीं और कल्याण नहीं कर पाया भक्तों का मैं, तो बाबा गिरी छोड़ के मैं शुरू कर दूंगा लफंगा गिरी। देखा जाए तो यो अब भी लफंगा गिरी कर रहा है। अरे है तो तू लूला का ही वो लफंगा जैक्सन, जो पूरे साल भर फेल पे फेल हुए जा रहा है। अरे खेती बाड़ी थारे से होती ना, यो धंधा खोल के बैठ गया। ए लल्लू राम, ज्यादा चप्पर चप्पर ना कर, मेरा होनहार लल्ला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंटर क्लास में लगातार फेल होने का, और देखते जाओ बाबा गिरी में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। बाबा जी की जय हो। भूत बाबा जी की जय। जय भूत बाबा की जय। 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 मेरे जिगर के छल्ले, उस ठेके का क्या हुआ? अरे लूला जी काम तो पूरा हो गया है, बस अगला फंड आना बाकी है। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आ भाई सुंदर आ। सुंदर कैसे आना हुआ? माँ ने बोला था कि भैंस दिखाना, तो आप दिखा दीजिए। मेरे जिगर के छल्ले, जाओ इसे मूरा भैंस दिखा के आओ। जी लूला जी। आ भाई सुंदर, तुझे भैंस दिखा के लाता हूँ। आजा जाओ जाओ। आजा आजा। देखो इसे ही कहते हैं भैंस। अरे भाई पैसों में भी बड़ी सस्ती है, एकदम गऊ है, दूध इसका 20 से अगर मूट होता 22 भी दे देती है। मैं तो कहता हूँ ले ले इस भैंस को, अरे मजा आ जाएगा जिंदगी में, बहुत प्यारी भैंस है। हाँ अच्छा। ले ले भैंस, बढ़िया है, ले ले। चल आजा आजा। देख ली
देख सुंदर, मूरा भैंस 20 लीटर दूध दे रही है और लात भी ना मारे, सींग भी ना मारे, बिल्कुल गौ है गौ। इसका दूध इतना मीठा कि शक्कर घोलने की जरूरत ना पड़े। बेटा बहुत सस्ती है, इसे तू खरीद ले मात्र 50,000 में। 50,000? अरे लेकिन मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो बैंक से लोन ले लेना। उधार तो आप लूला जी भी दे सकते हैं, लेकिन उधार गर्दी में ना आपसी प्यार में फर्क आ जाता है ना। क्यों लूला जी? लोन वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अचंभा इस बात का है कि तेरे मुंह से आज इतनी मीठी मीठी बातें कैसे निकल रही। अरे अरे भाई, भैंस का दूध पीने से लूला जी, पूरा भैंस का दूध पीने से। अच्छा तो आप भैंस के लिए लोन लेने आए हो? हाँ जी। अच्छा तो एक चीज बताओ, भैंस का रंग काला है? हाँ जी। भैंस के चार पैर हैं? अच्छा भैंस के तो चार ही पैर होते हैं। होते तो चार ही हैं। अच्छा पूछ एक है। मैनेजर साहब, आप लोन पास करा रहे हो, भैंस पे पीएचडी कर रहे हो? देखो लोन ऐसे नहीं मिलता, इतनी पूछताछ तो बनती है। चलो छोड़ो, ये बताओ आप भैंस को खिलाओगे क्या? पिज्जा बर्गर खिला दूंगा उसे। अच्छी भैंस चारा खाती है, उसे भूस खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, और क्या खिलाएंगे उसे? नहीं नहीं, बस हम तो ये देख रहे थे कि आपको एक्सपीरियंस है भी कि नहीं। चलो छोड़ो, ये आप साइन कर दो, ये लो। मैं एक बार इसे पढ़ लूं जी? ये पेपर पढ़ने के लिए नहीं होते, आंख मिच कर चुपचाप साइन कर दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर कोई आदमी आए और यहाँ पे रामायण की तरह इसे बांचे। पढ़ो, साइन करो। ठीक है जी, यहाँ पे। हाँ यहाँ यहाँ यहाँ। ये लो जी, आपकी भैंस का लोन हो गया पास, अब भैंस भी आपकी और भैंस का दूध भी आपका। देख तो जरा, भैंस ने 1 लीटर दूध भी ना दिया। लूला उलूला है ना, वो तो कह रहा था कि बहुत दूध देती है। धत तेरी, हो गया ना राड़ा। मैं तो पहले ही इस लूला के सलाहकार से भैंस खरीदने के पक्ष में था ही नहीं, ठग लिया उस ठग्गू ने हमें। देख लियो उसे कीड़ा पड़ेंगे, ऐसे नरक के आग में चलेगा, देख। अरे मम्मी तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे मैं तो कहती हूँ कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, तेरे दिमाग के तो भट्टे बैठ गए हैं। उस सुंदर में देखा क्या है? मरता खपता एक छोटा सा किसान और खेती की कमाई में एक पजामा नहीं सिलवा सकता। भूखी मरेगी तो भूखी। पढ़ा लिखा है मम्मी, नौकरी कर सकता है, और कुछ नहीं मिला तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अरे यार ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है, एक दूसरे पर लड़ रहे हो हैं? तुम दोनों माँ बेटी ने ना मुझे कभी चैन से मत जीने देना। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि लोगों की बीमा पॉलिसी कराने की बजाय अपनी पॉलिसी करा लेता। लो बढ़ गया मेरा बीपी। तुम लोग ना मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानोगी, मेरी बाईपास करा के ही मानोगी तुम। अरे तो सुना नहीं आपने, आपकी उजट लाडली बेटी टीपुर के परिवार की बहू बनना चाहती है, और वो सुंदर नाम का जो है लफंगा बेरोजगार उससे शादी करना चाहती है। अरे चतुरकली मुझे एक बात बता बस, तुझे भगवान की कसम है तू सच से बता कि ये मेरी बेटी है? इसकी ये बातें सुनकर तो यकीन हो गया है कि ये पक्का तुम्हारी बेटी है। ए भगवान, भाग फूट गए मेरे, तुझे पूरे आसपास के गांव में बस वो एक सुंदर ही मिला था। क्या कमी है उसमें? देखने में अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, और क्या चाहिए एक लड़की को? अरे उसके पास ना तो कोई नौकरी है, है? ना ही कोई बिजनेस है, एक छोटे से खेत से वो किस किस का पेट भरेगा? अरे मेरे प्यारे पापा, आप हो ना, नौकरी तो आप दिलवा दोगे, और मैं तो कहती नौकरी की जरूरत ही क्या है, आपकी कंपनी में नौकरी कर लेगा, मुद्दा ही खत्म। हे भगवान, इसने तो सारा सिस्टम अपने से पहले से ही बना के रखा हुआ है। अरे तुम लोग ना जीने दो मुझे, तुम्हारी तो तब हद है यार। आपकी बेटी हूँ, आपका असर कुछ तो आएगा ही।
रशिया में जो है एक हमारी भक्त है, तो हम चाह रहे हैं रशिया में एक ब्रांच खोलने। तुम संभाल लो ना। चोरी हो गया है जी, चोरी हो गया है। चोरी क्या हो गया है? बाबा तो यहाँ बैठा है, चोरी किसने कर लिया? मेरा दिल। ओ हार्ट। मेरा दिल चोरी हो गया है। वो एक बाबा है जिसने मेरा दिल चुरा लिया। ये बाबा लोग होते ऐसे, लेकिन अब मुझसे बात ही नहीं करता। घुमटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। क्या खाया था? मेरे को तो गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं। गोलगप्पे? आरडीएक्स माय एक्स मालवी। गोलगप्पे नहीं जी, दूर 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 प्यार के गोलगप्पे खाए हैं मैंने। मैं रो पड़ूंगा मम्मी। तो बस मेरा यही सपना है कि सारी उम्र आप ही के साथ गोलगप्पे खाऊं। एक मिनट सुन रे, तू अपने गोलगप्पे का ठेला लेके निकल जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ए अप्पे की गप्पी, तू चुप कर, हद में रह। सुन मेरी बात। हाँ। मैं अपने बाबा की, मेरा मतलब हमारे बाबा की मेन ब्रांच मैं हूँ। मेरे होते हुए मेरे बाबा को, मतलब हमारे बाबा को टच नहीं कर सकता है बाबा। तू तो इनकी तपस्या भंग करने आई है। हाँ तो करूँगी, क्योंकि ये मेरा जैक्सन है। तेरा जैक्सन है? ये मेरा बाबू, हमारे बाबा है। मतलब हाँ हाँ, हम सारे चेले चपेटे तुझे लटिया के ना गेट आउट कर देंगे, समझे? ओह माय गॉड, ये जैक्सन, ये बाबा मेरा है, तुम जैसी शादीशुदा का नहीं। ये ऐसी करती मेरे साथ पता है? तू ना होती तो मेरी कमर पर काट लेती, पता है? प्लीज मुझे बचाओ। सब क्लेम तो मिल जाएगा ना मेरा? हाँ हाँ, क्यों फिकर करते हो, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, बैठो। बैठिए। देखो भाई, भैंस तो मर गई है पर कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें पूरा क्लेम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। कल ही मैं बीमा कंपनी जाकर सारे दस्तावेज जमा करा देता हूँ। सरकार की तरफ से पैसा तो पूरा मिल जाएगा ना? अरे बेफिक्र रहो, मैं हूँ। साहब बड़ा धोखा किया है लूला ने मेरे साथ, ये बूढ़ी बीमार भैंस, पूरे 50,000 रुपए में उसने मेरे पल्ले बांध दी। कोई नहीं, मैंने रिपोर्ट तैयार की है, तुम इस पर साइन कर दो। ठीक है, जो हो सकता है मैं देखता हूँ जी। अरे यहाँ कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? होशियार सिंह, सुंदर लाल बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, इसी तरह भैंसों का बीमा कराकर और कोई दूसरी मरी हुई भैंस दिखाकर फर्जी क्लेम डकारने का कारोबार करता है। अरे इसकी चिंता मत करो, ऐसे लोगों का इलाज है हमारे पास। हमारी हैप्पी लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जितनी भी पॉलिसियां हैं ना, उसमें हम ग्राहकों से ठोक ठोक कर प्रीमियम लेते हैं, और क्लेम देने के नाम पर हम उन्हें क्लेम लेम नहीं देते। इसी कारण कंपनी हमें ग्रेस देती है। हाँ, कोई शातिर किस्म के लोग होते हैं ना, जो कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह लड़ते हैं, बस वो मुकदमे लड़कर हमसे कभी कभी क्लेम ले लेते हैं। सुंदरलाल के वश की बात नहीं है, हम उसे किसी भी कीमत पे भैंस का क्लेम नहीं लेने देंगे। लेने देंगे? अरे हमारी कंपनी क्लेम देती नहीं है तो लेगा कहाँ से? हम सिर्फ प्रीमियम लेते हैं, क्लेम नहीं देते भाई। होशियार सिंह जी, आप अपनी होशियारी दिखाइए, बाकी तो हम आपके साथ ही हैं। चले लीला जी, नमस्ते। चलिए चलिए चलिए, आइए, मैं चाय पी के चला जाऊंगा। चाय पियोगे क्या जी? फिर कभी है। चलिए लीला जी, चलिए। अरे आया रे डाकिया, आया रे डाक लेके। हाय मैं मर गया रे। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, क्या बात है, आजकल बड़े नोटिस आ रहे हैं लोन के। नोटिस? मैंने सोचा यही देता चलूं। क्या है इसमें?
पता नहीं, अभी देख रहा हूं। रिकवरी नोटिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन की रिकवरी का नोटिस आया है। समय पर लोन की किस्त जमा कराइए, नहीं तो आपके घर और जमीन को नीलाम करके लोन की वसूली की जाएगी। अरे मेरे नाम पे लोन किसने ले लिया? तूने सोसाइटी से लोन लिया क्या? अरे नहीं माँ, कोई लोन नहीं लिया है। और उस सलाहकार ने दस्तखत तो वो राष्ट्रीय मालामाली योजना के रजिस्टर पर कराए थे। उधर वो भैंस, इधर ये लोन। ये जरूर उन हरामखोरों की ना मुझे फंसाने के लिए कोई चाल है माँ। लेकिन ये लोग जानते नहीं है, अगर मैं मरूंगा ना तो इन सालों को साथ लेकर मरूंगा, अकेले नहीं मरूंगा मैं। अबे साले लूला, तू फंसेगा साले। अब तू, तेरे घर की छत से कूद के जान दूंगा, यहीं से सुसाइड करूंगा मैं और फंसेगा तू। ए छछूंदर, कछुआ छाप खा के मर जा, किसी दुकान पे मिल जाएगा बढ़ाया कूद के जान देने वाला। नीचे आ जा। गेट तो सारे बंद हैं, ऊपर कैसे आ गया? बाबा ये तो आप ही बता सकते हो। मैं पक्का? मेरे हिसाब से फिर ये पीछे वाले गेट से आया होगा। बाबा अरे भाई ऐसी बात ना है, ये जो बच्चा है ना मेरे गोद में, ये भी उद बाबा की कृपा से ही है। सब सेवादार हैं ये। सब बाबा का आशीर्वाद है। जय बाबा की। जय बाबा की। भाई मेरी शहर में नौकरी लग गई। हाँ तेरा बच्चा हो गया और तेरी नौकरी लग गई, और इसकी वजह से मेरी मर गई भैंस। भैंस मर गई? अबे ढोंगी है यो ढोंगी, कुछ ना हो रहा इसके आशीर्वाद से, आगे समझ में? इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो तामझाम जोड़ा है ना हमने, ये पूरा धंधा जड़ से उखाड़ देगा। अरे बाबा ये उखाड़ देगा तो फिर क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा इसका, कुछ सोच, खोपड़ी में कुछ ला। बाबा आइडिया, अगर आप कहो तो मैं उसको ऊपर से नीचे कुदा दूं। वेरी नाइस आइडिया। एक मिनट। बाबा, अरे बाबा शगुन है सुंदर की तेरवी का, तेरवी पे गोली। बाबा बस मैं यूं गया और यूं आया। मैं ना उतरू नीचे, सुसाइड करूंगा यहीं से। अबे तेरे को भड़क बाय हो गई है क्या? अबे नीचे, तेरे को मैं देता हूँ पुड़िया बना के। हाँ तू देगा मुझे पुड़िया? अरे रहन दे, और तो क्या, तेरी पुड़िया से हो जाऊंगा मैं ठीक। अरे सुंदर भाई, अरे क्या कर रहे हो यार तुम? अरे यहाँ कूदो ना यहाँ। हाँ सिर के बल कूदना, मजा आएगा। अरे तुमने बहुत अच्छी सुसाइड वाली जगह चुनी है। अरे मैं तो कहता हूँ देर मत करो, जल्दी से कूद जाओ। क्या बे, क्या बोल रहा है? मेरे घर पे सुसाइड पॉइंट, मरवाएगा क्या मुझे पगला? अरे अरे मजा आएगा ना। अरे अखबारों में छपेगा, टीवी पर आएगा। अरे कूदो कूदो। अखबारों में छपेगा, टीवी पे आएगा, हट भूतनी के। हेलो हेलो प्रेमा। हाँ बोलिए। अरे सुन, ये सुंदर लाल अपनी भैंस और फर्जी लोन के चक्कर में लूला प्रधान के छत पे चढ़ गया मरने के लिए। अरे मान नहीं रहा। ऐसा क्या? अरे तू ही कुछ करना। तुम चिंता मत करो लल्लू जी, मैं कुछ करती हूँ। ए, ए सुंदर नीचे उतर, नहीं तो डंडा फेंक के मारूंगा पिछवाड़े पे। उतर। हाँ मार डंडा, मार डंडा साले लूले हिस्ट्री सीटर, मुझे तो वैसे भी मरना ही है। साले तू मेरे नाम पे लोन लेके खा गया, और वो लोन भरूं मैं साले गरीब किसान, अपनी जमीन नीलाम होते हुए नहीं देख सकता मैं तो यहीं से मरूंगा कूद के। एमएलए साहब, आदमी मजबूरी में ही मरता है, दुखी है बेचारा। शोले का धर्मेंद्र, आइए आइए एमएलए साहब। राम राम एमएलए साहब। राम राम लल्लू जी। गाड़ी से कटरा बांधा हुआ है, इस दुखदेवा सुंदर लाल से मेरा पीछा छुड़वाओ एमएलए साहब। ऐसे ना छुड़ रहा पीछा,
अरे लोग दुखी नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? हाँ? जनता के दुख में ही हमारा सुख है, और सुख और दुख तो प्रकृति के नियम है। अरे मैं, तू और सुंदरलाल जैसे दुखी लोग कोई बचा थोड़ी है इससे। एमएलए साहब, आध्यात्मिक प्रवचन छोड़ो, पॉलिटिकल गोला फेंको गोला। देख भाई सुंदरलाल, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पार्टी की छप्पड़ फाड़ परियोजना से 5 लाख रुपए की व्यवस्था करा दूंगा। तो हमारा क्या होगा एमएलए साहब, मुझे भी मिलेगा ना? अरे हड़बड़ाओ मत, तुमको भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है एमएलए साहब, आप कह रहे हो तो मैं नीचे आ जाता हूँ, बाकी इन दोनों पर मुझे कोई भरोसा ना है। ये बात चंडू खाने की है, आ रहा हूँ जी मैं नीचे। सुंदर, 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 बोल। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मदद? भला तू मेरी क्या मदद कर सकती है? मदद की मत पूछो, पर हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास पाओगे। तू कहना क्या चाहती है? यहाँ जब मेरा अपना कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा, तो तू भला मेरी क्या मदद करेगी? इसीलिए तो कल मैं तुम्हारे साथ थी। जिस एमएलए ने तुम्हें ऊपर से नीचे उतारा वो मेरे मामा थे, और मामा को लूला के घर मैंने भेजा था। क्या? और क्या, वरना तुम तो ऊपर से नीचे छलांग लगा देते। इसका मतलब तू मेरा पीछा कर रही है? वैसे पीछा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, तुम्हारे दुश्मनों पर नजर जरूर रखी थी। तुम्हारी अच्छी दोस्त जो ठहरी। दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। वैसे ठीक भी है, इस प्यार-व्यार से ना मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मालवी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, पर मैं अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। देख प्रेमा, तेरे प्यार भरी घास को चर सकूं, उस लायक घोड़ा नहीं हूं मैं। हाँ प्यार ने मुझे गधा जरूर बनाकर छोड़ दिया है, और वैसे भी लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। क्यों तू उस लिस्ट में अपना भी नाम जोड़ना चाहती है? तेरे लायक नहीं हूं मैं। अरे तुझे नहीं पता तो किस लायक है मेरी जान। मैं अच्छे से जानती हूं तेरा दिल कैसे जीतना है, और आज मैं अपना विश्वास तेरे पर जमा कर ही जाऊंगी। जिगर के छल्ले, एमएलए कोचाले साहब ने पूरे 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। लूला जी, आपके कहने से सारा का सारा कबाड़ फेंक दिया। सारा सामान फेंक डालो, नया सामान आएगा। सारा का सारा नया सामान आएगा। और ये भाई ने ना, इसको भी, इसे भी फेंको। फेंको, फेंको सब, सब फेंक दो। सुंदर वाली फाइल सब नया आएगा,
सब रद्दी कबाड़ में बेच डालो। तुम चिंता मत करो। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, आपका लेटर आया है। ठीक है, हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी से आया है माँ। अच्छा? हाँ, लगता है हमारा क्लेम सेटल हो गया, अब तो हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस होगी। नंबर एक, ये वो भैंस नहीं है जिसका आपने बीमा कराया था। तो फिर कौन सी भैंस है? नंबर दो, भैंस के कान का टैग टूटा हुआ पाया गया। टैग तो सही था। हाँ, टैग तो सही था। नंबर तीन, कि आपने कहीं से 500 रुपए में मरी हुई भैंस खरीद ली है और आप उसका बीमा क्लेम कर रहे हैं, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे जब बीमा कंपनी वालों को पैसा देना ही नहीं था तो बीमा कराए ही क्यों था, गरीब की हाय लगेगी। माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब ना इन्हीं मक्कारों का काम है। इन्होंने ही ना इस बीमा कंपनी के ना मैनेजर के कान भरे हैं। तुम मानो या मत मानो, ये इन्हीं सालों का काम है। सुंदर, कहीं जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। कहाँ? तेरे बापू ने भैंस का क्लेम भी रिजेक्ट करा दिया है, तो वकील के पास जा रहा हूँ, शायद वकील कुछ करे। मेरा बापू तो पहले से ही कान का कच्चा है, और उसकी कंपनी में भी किसी को क्लेम ना देने को लेकर रोज नए नए हथकंडे चलते रहते हैं, और उसके ऊपर ये लूला और सलाहकार, ये सब लोग मिलके तुम्हारे टेंट उखाड़ने के पीछे लगे हुए। लेकिन एक दिन इन लोगों का टेंट मैं उखाड़ कर ऐसा हवा में फेंकूंगी ना, इन सबका इलाज है मेरे पास। तुम्हें मालूम है सुंदर, तुम्हारे नाम पे सोसाइटी से लोन के पैसे निकाले गए, ये लो उसका सबूत, कागजात है ये। प्रेमा, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए था यार। ये पेपर देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, कैसे धन्यवाद करूं मैं तुम्हारा? अपनी दोस्त बनाकर? हाँ प्रेमा, इतना तो तुम्हारा बनता है। दोस्त को तो गले भी लगाया जाता है ना। तो ठीक है, फिर मेरा वादा रहा कि हम गले भी जरूर मिलेंगे। अच्छा प्रेमा, तुम एक बार मुझे बता रही थी कि लूला से सावधान रहना। हाँ सुंदर, लूला को ये एहसास हो गया है कि गांव के 40% वोट तुम्हारे साथ में है, और उसे पक्का यकीन है कि अगली बार तुम उसे हरा दोगे, इसलिए इस बार वो तुम्हें इतना कमजोर कर देगा कि अगली बार तुम उसके सामने खड़े ही ना हो सको। वाह प्रेमा वाह, अरे तुमने तो वहां तक सोच लिया जहां मैं भी नहीं सोच पाया, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। प्रेमा, मुझे गर्व है कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली, और कमाल की बात है कि तुम्हारी सारी बातें सच भी निकली प्रेमा। और ये पेपर, ये पेपर देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रेमा। तो क्या हुआ प्रेमा, अगर तुम्हारा बापू उन लोगों के साथ मिल गया, मुझे खुशी इस बात की कि तुम मेरे साथ हो। प्रेमा सुनो, अपने दोस्त को गले नहीं लगाओगी? केस तो जेन्युइन है तुम्हारा, बीमा कंपनी किसी को भी क्लेम का पैसा नहीं देना चाहती, डोंट वरी। एडवोकेट पारुल चौधरी के होते हुए बीमा कंपनी का बाप भी ना ग्राहक पर झूठे आरोप लगाकर क्लेम देने से बच नहीं सकता। सिविल कोर्ट में केस दायर करती हूँ, साथ में फर्जीवाड़े का भी। ठीक है लक्षिता,
जी मैम, वकालतनामा लेकर आना। लो, इस पर साइन कर दो। जी यहां पर। वही तो मैडम जी, बीमार भैंस बेच दी गांव के लोलो ने मुझे। मैडम जी बमुश्किल एक बार उस भैंस का दूध पिया होगा मैंने, और पैसे मेरे सारे चले गए, और ऊपर से फर्जीवाड़ा करके सोसाइटी से मेरे नाम से लोन भी ले लिया। पूरी तरह फंस गया मैं। तुम चिंता मत करो, कोर्ट से ऐसा नोटिस भिजवाऊंगी कि पूरी बीमा कंपनी में भगदड़ मच जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि अब क्या चाल चलते हैं वो लोग। बैठिए। शुरू की जाए। केस ये है माय लॉर्ड, पहले तो लूला सिंह गांव के कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के सचिव जिसे सलाहकार कहते हैं, उनके साथ मिलकर मेरे क्लाइंट के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे निकलवाता है, जिसका हर्जाना मेरे क्लाइंट के सर पे आता है। फिर इस पाखंडी के बताए उपाय पर मेरे गरीब क्लाइंट अपनी गाय बेचकर बैंक से लोन लेकर और इन्हीं से भैंस खरीदता है। बैंक ने भैंस का बीमा कराया और बीमा कंपनी ने उसका भी पैसा ले लिया, और जब बूढ़ी भैंस मर गई तो बीमा कंपनी के सर्वेयर ने भैंस का सर्वे किया और सब कुछ उनके मुताबिक पाया गया। बाद में बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्शन का लेटर मेरे क्लाइंट के घर पर भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तब जाके मेरे क्लाइंट ने इन पर केस किया। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये फर्जी कंपनी और पैसे का झूठा मुकदमा मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट बनाया जा रहा है। मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ नहीं किया इनके साथ। हाँ वो तो पता चल जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि भैंस का क्लेम क्यों रिजेक्ट किया? माय लॉर्ड, ये वो पहला कागज है। साफ तौर से पता चलता है कि ये साइन सुंदर के थे ही नहीं, तो सोसाइटी से पैसे कैसे निकाले गए? किसी ने बड़ी चालाकी से सुंदर के साइन लिए और इस कागजात पे चिपका दिए। माय लॉर्ड, ये वो रिजेक्शन लेटर है जिसमें मरी भैंस के बारे में लिखा गया है। ये वो मरी भैंस है ही नहीं जिसके नाम बीमा कराया गया था, और आपने कहीं से 500 रुपए में मरी भैंस खरीदी और उसे दिखा दिया। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मेहनत करके खेतों में दो रोटी कमाने वाले ईमानदार इंसान हैं। वो मरी हुई भैंसों का कारोबार नहीं करता। झूठा आरोप लगाकर बीमा कंपनी ने मेरे क्लाइंट की तौहीन की है। कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस तो बनता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसा सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, और वैसे इस बात का क्या सबूत है कि ये सिग्नेचर लूला सिंह ने किया है? माना कि वो मक्कार है, लेकिन इतना मक्कार भी नहीं कि वो इस केस में किसी को भी ऐसे ही फंसा दे। अबे छिपकली, तू ये क्या बोल रहा है? तू मेरा वकील है या? फर्जी साइन वाले कागजों को मैं लैब में टेस्ट के लिए भेजने का ऑर्डर देता हूँ, और भैंस की वजह से मानहानि जो हुई है उसके लिए तो आप ही को साबित करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर नहीं, बीमा कंपनी पर है, और वो साबित करे कि वादी ने जो मरी भैंस खरीदी थी वो बीमा कंपनी को बेची गई। बेईमानी खुद बीमा कंपनी करती है और आरोप मेरे क्लाइंट पर आता है, और अगर ये वो साबित नहीं करते तो मेरा मानहानि का केस तो पक्का, और क्लेम का भुगतान तो वो करेंगे ही। माय लॉर्ड, बीमे के कागज पे इतने बारीक से बारीक शब्द लिखे जाते हैं
कि कोई इंसान उसे पढ़े भी ना तो बिना मोटे लेंस के पढ़ नहीं सकता। ये सब बीमा कंपनी की चालबाजी है और कुछ नहीं। पारुल जी, अदालत का टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर लाठियां ना भांजिए, फैक्ट टू फैक्ट प्रेजेंट कीजिए। योर ऑनर, मेरा काम है सच दिखाना। वादी ने बीमा कंपनी के साथ ऐसी धोखाधड़ी की कि बीमा कंपनी एबी ने जैसे को तैसा कर दिया। और मिलाड़ रही बात वो मरी हुई भैंस की, तो उससे हमारा क्या लेना देना कि वो कहां से खरीद कर लाया। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये केस यहीं डिसमिस किया जाए। दैट्स ऑल। वादी ने जिन मक्कारों से भैंस खरीदी वो इसी अदालत में मौजूद हैं। कोई झगड़ा ही नहीं है जज साहब, ये मक्कार लूला प्रधान, इसने मुझे बूढ़ी भैंस बेच दी। साहब, ये और इसके साथ जो इसका सलाहकार बैठा है, ये दोनों मिलके मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, बस इन्हें और कुछ काम ना है। अरे गांव की औरतों का मोहल्ला नहीं है, चुप रही है। अजी, मैं तो चुप ना रहूं, मैं तो बोलूंगी। ये इन दोनों की वजह से मेरे घर का नाश हुआ है, इनके घर पे उल्का पिंड गिरेगा। अरे यार, अरे मरी हुई भैंस की बात हो रही है, ये उल्का पिंड कहां से बीच में आ गया? ये बीमा कंपनी ने कहा है वादी ने कहीं से मरी हुई भैंस खरीदी। यस सर। और वादी इस बात से इनकार करता है। जी। तो इस बात को बीमा कंपनी वाले ही साबित करेंगे। जी। इसमें अदालत क्या कर सकती है भाई? अरे एक बात तो बताओ, है कोई गवाह तुम्हारी नजर में? हाँ, एक गवाह, गुल्लू नशेड़ी। गुल्लू नशेड़ी? नशा करता है वो? नशा करता है? वो नशा करता है, गुल्लू नशेड़ी। वो पेशेवर गवाह है, मैं जैसा चाहूंगा वो वैसा करेगा। अरे वाह, फिर तो मजा आएगा।
भक्तो भक्तो अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानान जन सलाकया चक्षुर मिलतम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो गुरु होता है वो हमको अंधकार से लेकर प्रकाश में लेकर आता है। अब सावित्री क्या है, हमारी आध्यात्मिक पत्नी है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हजार गोपियां थी, उसी प्रकार से मेरी भी हजार गोपियां तो नहीं है लेकिन एक है, नेक है, लाखों चम चम है। एकदम से ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, खोलो बाबा। अरे वाह, आंखें खोलो बाबा। मन्नू बेब्स, इट्स यू अगेन। यस इट्स मी। ये तो डाका हो गया ना। ये तो उस गुल्लू नशेड़ी की बीवी है। मुझे देखो, ऐसे नहीं खड़े होके दिखाओ। थिंक अबाउट मी तो अच्छा है, लेकिन अब मेरा मन साफ हो गया है। सत्तू मैं क्या करूं यार, मेरे पास तो कोई मंत्र भी नहीं है इस चुड़ैल को भगाने का। पर मेरे पास है। क्यों रे, कल की बेइज्जती भूल गई क्या? तेरी इस पतली कमर को मार मार के कमरा ना बना दिया, मार मार के मेरा नाम नहीं। She's jealous. Jealous? सुन रही, मार तो मार दो। बेबी है, मतलब बाबू है। Shut up. He's my baby. You shut up. समझी, ये मेरे बाबा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आई बड़ी, तेरा बाबा है तू भूल चुकी है, तू किसी और की बीवी है, ये मेरा जैकी है। अरे नागी, तेरा गला दबा दूंगी। नहीं छोड़, अरे तू मेरे बाबा है, चुप तू मेरे बाबा है। छोड़ मुझे, मेरे बाबा है। काट के घड़ी बना दे, मेरे बाबा है। छोड़ूंगी नहीं, मेरे जैकी नहीं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओ गुल्लू किधर छुपा है? रुक रुक रुक, इधर इधर। अरे भाई कहाँ है गुल्लू? ओ गुल्लू, अरे देख यार, इधर मोड़ ले, इधर 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 चलो, इधर इधर मोड़ लो। अरे ये लोग, अरे तुम और तुम्हारा। अरे गुल्लू, अरे ओ गुल्लू, अरे ओ गुल्लू, गुल्लू। अबे एरिया मैनेजर, ये तो अपना गुल्लू है। कौन है बे साला? तू मेरे को साला बोलता है? नीचे उतर। अबे गुल्लू नीचे उतर। अबे भूत आ गया क्या इधर? अबे उतर। क्या तू पर? ऊपर। अबे मैं लूला हूँ, नीचे उतर। अरे गुल्लू, लूला जी कह रहे तो नीचे उतर जाना। अबे नीचे उतर ना। अबे उतर, अबे उतर जा भैया, बहुत जरूरत है तेरी। अबे नीचे उतर, तेरा बाप भी नीचे आएगा। तू ऊपर ऊपर, हम ही उतर दे। उतर अभी, उतर। अरे नीचे उतर जा भैया। गुल्लू बोलता भी है क्या? नीचे उतर। अरे अब तो नीचे उतर, उतर। लक्ष्मी मैया को पहचानता है हा? और लूला को नहीं पहचानता? आजा साली बीड़ी गिर गई। आजा 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 आजा, देना देना देना। इधर आजा आजा आजा, उठा उठा, चल 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 मेरे साथ, चल 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 चल। देखा यही है गुल्लू। अरे ओ नशेड़ी, सुंदरलाल के मुकदमे की गवाही तू ही दे रहा है ना? एक बात ध्यान से सुन ले, वहां पर जाकर जिसने भी झूठ बोला ना, उसे जेल वहीं से जाना पड़ेगा। बाकी तू सोच ले। अबे सुल्फा पी के ही मरेगा क्या? अच्छा एक बात सुन, इधर। अरे यहाँ ना, इधर सुन, 1,000 रुपए दूंगी अगर तू गवाही नहीं देगा तो। बोल मंजूर है? ए ए लूले के चमचे, मैं भी अच्छे से जानती हूँ तो जाकर गवाही जरूर देगा, पर तेरी गवाही मानेगा कौन? प्रेमा नाम है मेरा,
समझा तू? ये प्रेमड़ी, रहने दे, मैं पेशेवर गवाह हूँ, समझी? जबान दे दी तो दे दी, चल हट। तू पेशेवर गवाह है और गवाही का ठेका लेता है। तुझे एक बात मालूम है, तेरी सती सावित्री का ठेका ना आजकल ऊत बाबा ने लिया हुआ है, और तुझे छोड़कर पूरे गांव को ये बात मालूम है। रहने दे, ऊत बाबा ना देवता है, देवता है। तुझे ना बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, चल हट। ओ सुन, कोई देवता देवता ना है वो। खुसड़ है खुसड़, साला जैक्सन। खुसड़, तू यहाँ भांग पी, नशा कर और मर जा, और वहाँ तेरी सती सावित्री के साथ ना पूरे गांव में ना रासलीला रचाता फिर रहा है वो। आया बड़ा, नशा कर मर, किसी काम मत आ जाइयो। प्रतिवादी हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फीस जमा करेगी। चलो भाई फीस जमा करो। आप साफ साफ बोलिए। क्या बोलूं, बोल तो दिया, फिर क्या बोलूं? अरे मुंह साफ कराइए इसका, गुटके के साथ कसम को भी खच्चर से समाया जा रहा है। जाओ मुंह साफ कर दिया। गिरपड़े जी, जी अदालत का टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरा मूड खराब हो जाएगा। डेकोरम मेंटेन करो जी, आप खुद तो गिरपड़े हैं, अदालत को मत गिराइए जी। तो जज साहब, ये वो पेशेवर गवाह है जिसके भव्य दर्शन आप कहीं भी किसी भी वक्त हर एक अदालत में देख सकते हैं। इस गवाह ने तो ऐसे क्लेमों में पता नहीं कितनी झूठी गवाही दी है। अरे बक्कड़ वकीली, तू काहे को ज्ञान दे रही है? अरे क्या हो रहा है, ये कोई रोड एक्सीडेंट का केस नहीं है, वो गिर पड़े थी, अब हमसे मुखातिब हुई है ना। ये सब न्यायालय के संज्ञान में लाना जरूरी है। आप मुझे ये बताइए कि इस गवाह को आपने कितने पैसे दिए? साहब इसकी अनर्गल बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तुझे तो मैं वकालत सिखाऊंगी। वकील साहिबा, किसने कितने पैसे लिए दिए ये बही खाता आप बंद कीजिए, गवाही शुरू कीजिए। तो गुल्लू ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई भैंस थी? हैं? कोई भैंस थी? हाँ, काले रंग की काली। और वो भैंस मर गई? मर गई। और वही भैंस तुमने सुंदरलाल को 500 रुपए में बेच दी? बेच दी भैंस, बेच दी। ये झूठ है, इस गवाह के पास तो कभी भैंस थी ही नहीं, ये तो बस जंगलों में भांग रगड़ता फिरता रहता है। क्या समझा रही है, शक्ल से ही लग रहा है वो भंगेड़ी, उससे हमें क्या, हम तो मुआयना करवाएंगे उस जगह का जहाँ गवाह अपनी मरी भैंस बांधता था। क्या वो भैंस खूटे से बांधते थे, जिंदा बांधते थे? हाँ, जिंदा ही बांधेंगे, मरी हुई थोड़ी ना। मरी हुई भैंस खूटा कैसे तोड़ सकती है? सर जिंदा भैंस बांधता था वो। जज साहब, मरी हुई भैंस खूटा नहीं तोड़ सकती है। अरे तो कमीशन को भेजिए, वो मुआयना करके रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेगी। वादी कमीशन की फीस जमा करे। वादी को कमीशन भिजवाने की क्या पड़ी है? हाँ तो कमीशन फिर बीमा कंपनी जमा करेगी। पड़ी लकड़ी तो बीमा कंपनी ने ली है। प्रतिवादी हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फीस जमा करेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आज आप मुकदमे की सुनवाई कैसे कर रहे हैं? अपने झंडू प्रताप जी सीनियर वकील हैं। उनके पत्नी के, पिता के, पापा के, मौसा की डेथ हो गई है। शोक प्रस्ताव के साथ नो वर्क प्रस्ताव भी बार एसोसिएशन ने पारित किया है। वकील समुदाय शोक मग्न है और आप अपनी दुकान खोले बैठे हैं। हाँ, तारीख दे दो सबको। कभी किसी वकील की भैंस का लवारा मर गया, परसों उसका फूफा मर गया, उसका पुलिस वालों का झगड़ा हो गया, और जब वकील लोग काम ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? अरे ओ कागजी अखरोट, मेरी बात ध्यान से सुन यार। हाँ। ये जो पारुल चौधरी है ना, इससे होशियार है ना, बहुत ही घाक किस्म की वकील है। अगर ये केस जीत गई ना, ना तो मैं मैनेजर रहूंगा और ना ही तुम इस पैनल के वकील, समझे? देखो केस जब चलते हैं ना, वो वकीलों पे नहीं बल्कि सबूतों पे चलते हैं, और तुम्हारा सबूत है वो नशेड़ी।
एक नंबर का नशेड़ी है। मुझे तो कई बार डर लगता है कि अगर उसने कहीं जज साहब के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि मुझे गवाही के पैसे मिलते हैं तो भाई क्या होगा फिर? नहीं नहीं, वो लूला प्रधान का खास आदमी है, भरोसे का आदमी है, चिंता मत करो। अरे लूला प्रधान कौन सा भरोसे का आदमी है? एक चीज बताता हूँ, ये जो प्रेम कुमार गिर पड़े एडवोकेट है, जब एक कोर्ट में खड़ा होता है ना तो बड़े बड़े वकील हकला जाते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ तुम अपनी आँख और कान ना खोल कर रखना। बिल्कुल, पारुल चौधरी बहुत ही घाक किस्म की वकील है, बता रहा तुम्हें पहले ही। देखते हैं, चाय पियो। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया। हाँ आया। हाँ क्या हुआ भाई? ये आपका लेटर आया है, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। थैंक यू भैया। कोऑपरेटिव का ऋण 10 दिन के भीतर जमा करा जाए, अन्यथा खेत की नीलामी कर दी जाएगी। तहसीलदार मवाना। मैं हूं ना सुंदर, तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है। ये मक्कार लूला और सलाहकार अपने कुकर्मों से बाज नहीं आने वाले। हम ये नोटिस विजिलेंस वालों को देंगे और ये फंसेंगे 420 में। हाई कोर्ट में भी जमानत नहीं मिलेगी। भाई रोज रोज एक ही जैसी जिंदगी ढोते ढोते आदमी बोर हो जाता है। तो फिर कल से लाल कोट पहन कर आना। अरे अरे कमाल करती हैं आप भी। अरे रेलवे डिब्बे का टीटी भी काले रंग का कोट पहनता है, लेकिन उसको तो कानून की कोई जानकारी नहीं होती। योर ऑनर, ये उस एफिडेविट की फाइल है जिससे साबित होता है कि गुल्लू उस भैंस को पालता था, पोसता था और उसका ख्याल रखता था। इसमें सारे प्रूफ है जिससे पता लगता है कि गुल्लू ही उस भैंस को पालता था। फालतू की बातें हैं माय लॉर्ड, अदालत का टाइम बर्बाद किया जा रहा है, इससे साबित क्या होता है? चलो हम मान लेते हैं कि ये फोटोग्राफर्स ने खींची है, तो उससे क्या? यू आर राइट। कौन है ये गवाह? भगाओ इसको यहाँ से। देखिए इसके अंदर सारे फोटोग्राफ्स हैं जिससे साबित होता है कि गुल्लू ही उस भैंस को पालता था, पोसता था और उस पे सवारी करता था। और अगर आप चाहें तो मैं उस फोटोग्राफर को भी अदालत के अंदर बतौर विटनेस पेश कर सकता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक वॉन्डरिंग की मौजूदगी में रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये वही जगह है जहां पर वो भैंस बंधती थी। सारे गांव की मौजूदगी में वो चीज दिखाई गई और पेपरों पर लिखी गई कि ये वही जगह है जहां पर भैंस बंधती थी। मान लेते हैं कि ये वही भैंस है, यहाँ खाती है, पीती है, सोती है, गोबर करती है, पेशाब भी करती है। पर सवाल ये नहीं है माय लॉर्ड, सवाल ये है कि क्या ये वो भैंस है जो गुल्लू के पास रहते हुए मर गई थी और फिर सुंदर को बेच दी गई थी 500 रुपए में? नहीं माय लॉर्ड, सच तो ये है कि गुल्लू के पास कोई भैंस थी ही नहीं, वो तो बस भांग रगड़ के खाने में ही व्यस्त रहता है और ये सब चालाकी है। उसे 500 रुपए में झूठी गवाही देने के लिए भेजा है बस यहाँ पर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हुजूर आला, ये बात साफ हो चुकी है कि इनके पास कोई भी विटनेस नहीं है, जो भी विटनेस इन्होंने लिया वो खरीदा गया। कोई सबूत है आपके पास? नहीं। फिर हवा में लाठी, अरे मत चलाइए ना। माय लॉर्ड, मैं गुल्लू से एक सवाल करना चाहूंगी। हाँ पूछिए पूछिए। गवाह गुल्लू कटघरे में हाजिर हो। ये गवाह मुझे नशे में लगता है और नशे में दी गई गवाही वैलिड नहीं होती। ये तो इनकी आदत है जज साहब, ये अपने नशे में ही जिंदगी चलाते हैं। अब ये कौन है? अबे लूला दादा, इनका इस केस से क्या ताल्लुक? जी यही है सारे लफड़े का जन्मदाता, लूला प्रधान कहते हैं इसको। माय लॉर्ड,
इस केस में भी गांव की राजनीति चल रही है। देखिए भाई, गांव की राजनीति का रायता यहाँ न फैलाइए। माय लॉर्ड, ये गवाह भी उसी घटियापन की उपज है। माय लॉर्ड, अगर मैं यहाँ पर पूछूंगी तो अदालत का टाइम बर्बाद होगा। फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि ये भैंस मरी थी तो इसकी मरने की वजह क्या थी? अरे भाई बताओ बताओ, भैंस कैसे मरी? आप चुप रहिए वकील साहब, आपस में बात मत कीजिए। गवाह गुल्लू है, आप नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया है। बीमार थी, मर गई। मर गई? हा? मर गई तो कैसे मर गई, ये भी बता दो। बीमार थी, मर गई। कैसी बीमारी थी? हैजा, उल्टी, दस्त। उसका कोई इलाज? बहुत कराया इलाज हुजूर, बहुत डॉक्टर से इलाज कराया। कौन से ढोर डॉक्टर से आपने उसका इलाज करवाया? अरे गवाह क्या ये? वकील साहब, अपने गवाह को ना अच्छी तरह से पढ़ा लिखा के लाया करो। अरे वो क्या है कि हमारा गवाह आपको देख के चक्कर खाने लगा, उसको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। रघु डॉक्टर। अरे कोर्ट में पान तंबाकू खा के आने की क्या जरूरत थी? तमीज से गवाही नहीं दे सकता था है? और डॉक्टर रघु का नाम क्यों लिया है? अरे क्या देता, भैंस मर गई अटैक से? लगता है जज को शक हो गया इस पे, इसे कूट कूट के अधमरा कर दो। लुला जी, अगर अपना केस मजबूत करना है ना तो पहले उस डॉक्टर रघु को ढूंढो। ये तो नहीं हो पाएगा लुला जी। क्यों? अरे डॉक्टर साहब, लुला जी की बात मान लीजिए, फायदे में रहोगे। अरे ओ डॉक्टर, तेरे को भी जेल के मजे लेने हैं क्या? अरे बाप रे, मैंने क्या किया? किया नहीं तो हो जाएगा। देख प्रेमा, होशियार सिंह मेरा जिगरी दोस्त है, यारों का यार है, अपना पुराना याराना है, और तू होशियार सिंह की इकलौती लाडली है। विभीषण बनके लंका ढाने की कोशिश मत करो, यही बेहतर होगा, नहीं तो। शुभ मुहूर्त तो आ चुका है लूला जी, लंका भी ढहेगी और ऐसी ढहेगी कि गिरकर दोबारा उठ नहीं पाएगी। और रही बात डॉक्टर तेरी, तो तेरी डिग्री तो मैं ऐसे ही कैंसिल कराऊंगी, अगर बाकी तुम खुद समझदार हो। प्रेमा जी, लूला जी तो सही तो कह रहे हैं। अरे आप इस लफड़े में क्यों पड़ रही हो? अरे मेरी बात मानो, तो आप इस लफड़े में से निकल जाओ। अरे जाओ, हाय बड़े। राम राम। राम राम जी, राम राम। मेरे जिगर के छल्ले, उस लौंडिया के हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो लूला। मेरा कहने का मतलब है लूला जी। चलिए आइए। चल। सुंदर, सुंदर, मैंने ढोर डॉक्टर को बीमा कंपनी का गवाह बनने से रोक दिया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब एक पॉलिसी मुझे भी तुम्हारी करनी है। देखो प्रेमा, तुम मेरी मदद कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कोई भी ऐसी वैसी पॉलिसी करवा लूंगा। मेरे पास तो एक ही पॉलिसी है, प्यार की पॉलिसी। एक बार करा कर तो देख मेरे सुंदर, एक बार। अरे 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 प्रेमा, क्या कर रही हो? अरे देखो, कोई देख लेगा तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी यार। अपने दिल से पूछो सुंदर, प्यार करने वालों की इज्जत और उम्र दोनों ही बढ़ती है, और नफरत करने वालों की घटती है। अगर बिका तेरा प्यार तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी अपनी कीमत की, पर तुझे पाकर सबसे अमीर होंगे। काम तो तुम्हारे डायरेक्शन में ही चल रहा था, तुमने बोला कि उनको क्लेम नहीं देना तो नहीं दिया, और वो तुम्हारे जो है ना लूला प्रधान और वो सलाहकार, उन्होंने मुझे बताया था कि सुंदरलाल मरी हुई भैंस खरीद कर उसके बीमे के क्लेम का काम करता है। भाई इससे स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं हो सकता। पर वकील साहब, रिजेक्शन लेटर में लिखना था ना कि भैंस उनकी लापरवाही से मरी है और कंपनी क्लेम देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। और लुके चाउ में नहीं, एक चीज बताओ ना भाई, मैं क्यों लिख देता बताओ? आप अगर इस बात को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और वो बात है ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो भाई मैं तो आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ऐसा वकील हूँ कि जो प्रतिवादन पत्र से
पेट्रिशनर के जितने भी फैक्ट होते हैं उनको एक तरीके से नकार देता हूँ, और कभी कभी तो मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई इसमें क्लेम कहाँ बन रहा है। वकील साहब, सच बात यह है ना कि आप इस केस की पैरवी सही ढंग से कर ही नहीं रहे हो। भाई देखो, एक चीज बताता हूँ। देखो ऐसा है, मेरे पास LLB की डिग्री है, ठीक है, और 20 साल का अनुभव है। और भाई आपके पास क्या है? मतलब मेरे पास क्या है? मेरे पास ग्राहकों को पॉलिसी देकर और उसको क्लेम ना देने के सैकड़ों नुस्खे हैं। है कोई साला माइकलाल जो मेरी कंपनी से क्लेम ले सके? मुझसे है किसकी हिम्मत? बता मुझे, है कोई? तो बड़ा आया, मेरे पास क्या है ये दिखा रहे हैं मुझे? अरे मेरे पास जो कुछ है ना वो किसी के पास भी नहीं है। गिरपड़े साहब, उस ढोर डॉक्टर को पेश करिए जिसने मरने से पहले भैंस का इलाज किया था। हजूर अली, वो भैंसिया वाला डॉक्टर तो कोरोना वायरस से मर गया था, और उसकी 13वीं भी हो गई थी। बाद में उसके परिवार के लोग अपने अपने काम में चले गए। तो डेथ सर्टिफिकेट दीजिए। जी बिल्कुल। और ये रहे, लो। ये सर्टिफिकेट तो मुझे फर्जी लगता है। फर्जी लगता है तो तुम असली दिखा दो। ये है असली सर्टिफिकेट। माय लॉर्ड, मैं उसी मरे रघु डॉक्टर का बयान इस अदालत में रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे परमिशन दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। ध्यान से देखिए माय लॉर्ड, ये वही मरा हुआ रघु डॉक्टर है जिसे बीमा कंपनी ने मरा हुआ घोषित किया था। ये जिंदा है और आप लोगों के सामने है, और तो और इसकी 13वीं भी हो गई। अरे ये तो भूत है। अरे ये तो भूत है। भूत देखे दुनिया में? भूत जाके पिछले लोग जा रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई भूत भूत नहीं होता। जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया वो फर्जी था। इन्होंने अदालत को गुमराह करने के लिए 100 झूठ बोले। ये सामने है और जिंदा है। सर देखिए जज साहब, अब मेरा अनुभव कहता है कि असली वकील वही होता है जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दे। झूठ, बिल्कुल झूठ। सफल वकील वो है जो झूठ को झूठ और सच को सच साबित करे। जनाबे अली, वो मरने वाले डॉक्टर रघु की जैसी इसकी शक्ल लगती है। अब देखिए, एक शक्ल के दुनिया में कई इंसान होते हैं, है ना? अरे बकवास बंद कीजिए, ये कोई कॉमेडी चल रही है यहाँ पे? हमको लग रहा कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करिए, वरना हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। जज साहब, सुंदरलाल की भैंस कैसे मरी उसके सबूत मेरे पास है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में थोड़ा समय दीजिए। माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाए इस केस के लिए। ठीक है, अब आखिरी बार बस, अब 2 दिन के बाद हम फैसला सुना देंगे इस पे। कोर्ट इज एडजर्न। खुले आसमान में पीने का मजा ही कुछ और है मेरे जिगर के छल्ले। मेरा जादू चल गया, मैंने दोनों को बेच दिया और अब सुंदर लाल का घर जमीन जायदाद सब नीलाम करा दूंगा। उस सुंदर को चचुंदर बना के छोड़ूंगा। अब वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पहले उस डॉक्टर रघु के बारे में सोचो। अगर उसने अदालत में सारे के सारे सबूत पेश कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो लूला जी कि हमारी हर चीज नीलाम हो जाए। सलाह तो सही है सलाहकार जी, डॉक्टर रघु का इलाज करना पड़ेगा। साले को पागल कुत्ते का इंजेक्शन लगवाऊंगा मेरे जिगर के छल्ले। ऐसा मत किया करो, सारी की सारी सेटिंग ना खराब हो जाती है। आप भी
मीरा के मुस्टंडे डॉक्टर रघु के पीछे पड़े हैं। मैंने अभी भी यहाँ से गुजरते हुए देखा। क्या बात कर रही है? चल 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 चल। हाँ चलो। चलो चलो चलो। मीठी मीठी। अरे वो बाबा। आ, बाबा मेरा नशेड़ी पति आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। इसकी उतर गई है। ये मेरे कपड़े उतार देगा। मैं ना छिप जाता हूँ। अरे बाबा हो, कबूतर मत बनो, भागो। भागने से होता है। भागो। निकाल साला, निकाल साला। ए, ए साला। उधर से भाग रहा है, रुक, अबे रुक, रुक साला, अबे रुक, कहाँ भाग के जाएगा? चाय बहुत फीकी फीकी लग रही है। हाँ लुलाजी सही कह रहे हो आप। इलेक्शन तो जीत गए पर टेंशन बना हुआ है, बहुत ज्यादा। कुछ करना होगा मेरे जीवन में। चले लुलाजी, डॉक्टर रघु आ जाओ, जाओ चलो 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 चलो। ए शर्मा जल्दी कर चल चल बैठ, चल पीछा कर उसका जल्दी से, जल्दी चल। अबे रुक, आके कहां जा रहे हैं? मुझे लाइफ में बहुत ऊपर जाना है राघव। अरे मेरा ब्रेकअप तो होने देता पहले। कमीनी, मुझे आगे आने में 2 साल लग गए, चलो तब तुझे 5 सेकंड लगे। हाँ बेबी, बेबी चलो। जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कम ऑन चलो। अरे क्या कर रही पगली, गिर जाऊंगा। अरे अरे कहां जा रही है? साले अरे बाबे, मेरी भी साली बनाएगा क्या? मारा है, वाह मारते मारते। जैकी को लेकर कहां जा रही थी तू? भैया रुक तो सही, मेरी बात छोड़ूंगी नहीं मैं। कौन लेके जा रही मैं जैकी? अरे सत्तो भाभी भाभी, बाबा बन के पिटने का मजा अलग ही है। वाह सावित्री, सावित्री जैकी, सावित्री मम्मी, मैं हूँ मालविका। अब तू पहले क्यों नहीं आया? मेरे को बहुत मारा उसने, मैं मोड़ दिया, मेरा अपर लिप चटका दिया। देखा, तुमसे सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही करती हूँ, तुम बेकार में उस शादीशुदा के चक्कर में पड़े हुए थे। मुझसे गलती हो गई बाबू, मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। सेम सेम, तुम्हारी आज से पैरों में है, शादी करेंगे बाबू। कम ऑन, चलो चलो आओ, ओए चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना सावित्री? ज्यादा चोट तो नहीं आई? सावित्री मुझे माफ कर दो, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं इस नशे की दुनिया में जाता और ना ही। नहीं गुल्लू, नहीं, मेरी भी गलती है, मैं तुम्हें इस नशे की दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई। सावित्री मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गुल्लू। हाँ सावित्री, गुल्लू सावित्री, ये
आज के बाद मैं इसका नशा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी कसम खाता हूँ। सच कह रहे गुल्लू? तुम्हारी कसम खाता हूँ, सिर्फ तुम्हारा नशा करूंगा गुल्लू। अरे भाई, कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए, कुछ मान मर्यादा का ध्यान रखिए। कोई ठोस सबूत है आपके पास या गवाह तो प्रेजेंट करो। जज साहब बस थोड़ा सा समय और दीजिए, वो आते ही होंगे। गुंडे लगाएगा साले, अरे गुंडे लगाएगा, गुंडे लगाएगा। क्या मत मार, क्या मत मार। अरे अरे क्या कर रहे हो साले, बाप रे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। जज साहब, इनके पास कोई विटनेस नहीं है, ये खामखा वक्त जाया कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस का आप फैसला सुनाएं। सुनाना पड़ेगा मुझे। अरे जसम, लूला सिंह के गुंडे ना मुझे जान से मारना चाहते हैं। ए, डोंट टच पुलिस। जान पर खेल कर ना रिपोर्ट लेकर आया हूँ, ये लीजिए। बिल्कुल सही समय पे ये कागज लाए आप डॉक्टर साहब। लूला और सलाहकार दोनों के खिलाफ कॉर्पोरेट सोसाइटी के फर्जीवाड़े की विजिलेंस रिपोर्ट है। इसमें लूला की हैंडराइटिंग है, इनको कस्टडी में लिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। ये अदालत सारे गवाहों और सबूतों और विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि वादी सुंदरलाल वल्द हीरालाल मरी हुई भैंस दिखाकर क्लेम लेने के प्रतिवादी हैप्पी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा झूठे इल्जाम लगाकर क्लेम रिजेक्ट करने के सुंदरलाल के केस को डिक्री करने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी पर 1,00,000 रुपए का हर्जाना इम्पोज करती है। द केस इज फिनिश्ड। प्रेमा, तुम जानती हो जब मेरा दिल टूटा था ना, उसके बाद मुझे सारी दुनिया की लड़कियां एक जैसी लगने लगी थी, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला प्रेमा, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। प्रेमा, तुम बहुत अच्छी हो, और अब मैं तुम्हारी ये प्यार की पॉलिसी लेने के लिए तैयार हूं। तुम इस प्रेमा मिसेस सुंदर बनोगी। क्या हमारी गलती को माफ करेगा सुंदरलाल? ये पूरा पलटूपुर गांव तुम्हारे साथ है बेटा, और तुम्हें निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया है। जो काम आई वो नफरत की नहीं, वो है प्रेमा के प्यार की पॉलिसी। जाओ बालकों, प्यार की पॉलिसी के रास्ते पे चलते रहो, जीते रहो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इंसान कर्म प्रधान है, इसी तरह दिलों में नफरत और बदले की आग लिए लूला सिंह और उसका सलाहकार सलाखों के पीछे चले गए, और लूला सिंह का बेटा जैक्सन अंधविश्वासी लोगों की कृपा से मालवी के साथ आज भी मजे में है, और प्रेमा ने आखिर में सुंदरलाल की कर ही दी प्यार की पॉलिसी।